शुक्र है कि तुम बच गए मेरी बच्ची। लाख लाख शुक्र है। मेहंदी कहाँ है अबू? बेटी आप कुछ कहते क्यों नहीं? कहाँ है मेहंदी? बेटी मेहंदी का कुछ पता नहीं। कुछ पता नहीं? हिना, हिना, बेटी, बेटी कुछ पता नहीं का क्या मतलब? बेटी अम्मी पता नहीं का क्या मतलब? बेटी कहाँ है मेहंदी? बेटी बेटी जहां एक्सीडेंट हुआ वहां तुम हमें बेहोश मिले। मेहंदी वहां नहीं थी और आमिर बाहर समीर बैठे हैं, उन्हें इत्तला कर दीजिए कि हिना को होश आ गया है। जी आमिर। आमिर को क्या हुआ? बेटी अब अल्लाह की मर्जी के सामने इंसान क्या कर सकता है। आमिर ने वहीं दम तोड़ दिया। मैंने सोचा कि खाली हाथ तो नहीं आ सकता, इसलिए मैं आप दोनों के लिए ये लाया। हौसला रखो मेरी बच्ची, हौसला रखो। हवाओं के साथ तो कोई भी चल लेता है, लेकिन अपनी चाल से जो हवाओं के रुख को मोड़ दे उसे सुल्ताना बेगम कहते हैं। रूबी मेरी ये बात ध्यान से सुनो, तुम जहां छुपी हो वही छुपी रहना। यहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अगर किसी ने तुम्हें यहां देख लिया तो तुम्हारा नाम उनकी जुबा पर आ जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ठीक है। ऐसे मत देखो मुझे, तुम्हारी अम्मी बहुत कमजोर हो गई है, वो तुमसे नजरें नहीं मिला पाएगी। मैं गुनहगार हूं तुम्हारी, तुमने मुझे अम्मी कहलाने का हक दिया और मैं इस हक की इज्जत नहीं रख सकी। लेकिन मैं क्या करूं, कहां ढूंढूं मैं तुम्हें, कहां ढूंढूं मैं तुम्हें? हेलो।
तुम्हारी आवाज में वही दर्द है जो मैं सुनना चाहती थी हीना। तुम अब कौन सा नया खेल खेल रही हो? तुम्हारी मेहंदी की खुशबू मैं महसूस कर सकती हूं, वो मेरे पास है। मेहंदी? मेहंदी तुम्हारे पास है? देखो अगर उसे कुछ हो गया ना। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे। क्या चाहती हो तुम? जायदाद के पेपर्स। अगर तुम मेहंदी चाहती हो तो जायदाद के पेपर्स लेकर मेरे पास चली आओ। नहीं, हरगिज नहीं। मैंने तुम लोगों पर पहले भी भरोसा किया था और बदले में मुझे क्या मिला? धोखा और फरेब। तुम लोगों ने ही मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल करवाया था। सोच लो। मैंने सोच लिया है, मेरे अब्बू की जायदाद की एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी मैं तुम्हें। तो फिर ठीक है, मैंने आज तक तुम्हारी मेहंदी को बड़े प्यार से रखा था, अब जब हालात मुझे मजबूर करेंगे तो मैं क्या कर सकती हूं। मैं तुम्हारी मेहंदी को अकरम को सौंप दूंगी। अकरम? अकरम? नहीं, मेरी मेहंदी मुझे लौटा दो प्लीज। प्लीज, कहाँ है मेरी मेहंदी? हेलो, या खुदा, तो क्या अकरम वो फिर से मेहंदी को ले गया है? मतलब मेहंदी वो अकरम के पास है? हेलो, मैं नवाब मिर्जा बोल रहा हूं। ओहो, आखिर आपने मुझे ढूंढ ही निकाला। मैं जानता हूं कि मेहंदी तुम्हारे पास है। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम करने के लिए तैयार हूं। मेहंदी मेरे पास और उसके बदले सारी जायदाद? अभी अभी जो तुमने हीना से कहा वो मैंने सुन लिया। तुम मुझसे कहते, कुछ तो रहम किया होता हीना पर। ओ, तो ये सब कुछ सुल्ताना का किया धरा है, नेकी और पूछ पूछ। अबू जान, जो मुझे चाहिए आप मुझे दे दें, बदले में जो आपको चाहिए मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, कहो मैं कागजात कहां लेकर आऊं? हाँ हाँ, लिखिए ना। बेगम, क्या गजब कर रहे हैं मिर्जा साहब? अपनी जायदाद उस बेगैरत के नाम कर रहे हैं? तुम्हारे अबू? हाँ अम्मी, मैं भी अबू को ही ढूंढ रही हूँ। कहाँ है वो? अम्मी, अभी अभी सुल्ताना का फोन आया था, मेहंदी उसके पास है। वही तो मैं कह रही हूँ कि वो मेहंदी को लेने। क्या कहा? क्या कहा तुमने? अम्मी, अभी अभी सुल्ताना का फोन आया था, मेरी मेहंदी उसके पास है अम्मी, और मेहंदी के बदले उसे अबू की प्रॉपर्टी की पेपर्स चाहिए। तो फिर अकरम? अकरम? हाँ, अकरम का फोन आया था कि मेहंदी उसके पास है और तुम्हारे अब्बू जायदाद के पेपर्स लेकर उसके पास गए हैं। अब्बू से किसने कह दिया कि अकरम के पास मेहंदी है? वो अकरम से फोन पर बात कर रहे थे।